नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ઝી 24 કલાક અને હું છું આપની સાથે ધરા। તમામ મહત્વની ખબરો પર નજર કરીશું। 2002 માં ગુજરાત હિંસા પછીની અરજીઓ સુપ્રીમ કોર્ટે બંધ કરી છે। સુપ્રીમે 2002 ના ગુજરાત હિંસા પછીની તમામ અરજીઓ બંધ કરી આ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। અરજીકર્તાઓએ માન્યું કે કોર્ટે એસઆઈટીની રચના કરી હતી। હિંસા સાથે જોડાયેલ બધા કેસમાં નીચલી કોર્ટનો નિર્ણય આવી ગયો છે। હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં મામલો પેન્ડિંગ રાખવો જરૂરી નથી। हवे सुप्रीम कोर्ट में मामलो पेंडिंग राखो जरूरी नहीं। हिंसा साथे जुड़ायेल तमाम केस में निचली कोर्ट नो निर्णय आवी गयो छे। आ मोटा समाचार हाल सामे आवी रह्या छे। 2002 गुजरात हिंसा पछीनी तमाम अरजीओ सुप्रीम कोर्टे बंद करी छे। सुप्रीमे 2002 ना गुजरात हिंसा पछीनी तमाम अरजीओ बंद करीने कह्यु छे के हवे सुप्रीम कोर्ट में मामलो पेंडिंग राखवो जरूरी नहीं। तमारी साथे संवाददाता सुमित जुड़ाया छे। सुमित, 2002 गुजरात हिंसा बात की जो भी अर्जी थी बंद कर दी गई है, क्या सामने आ रही है आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 2002 का जो गोधरा गुजरात दंगा था उसको लेकर जो पूरा मामला था, प्रोसीडिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है, यानी बंद कर दिया है। 2002 के गुजरात दंगों में जो दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे याचिकाकर्ता ने यह माना कि कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी। दंगे के लगभग सभी केस में निचली अदालत का फैसला आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो लंबित है रखना है वो जरूरी नहीं है। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि निचली अदालत का जो है फैसला आ चुका है, लिहाजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर 2002 का जो गुजरात दंगा मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से पेंडिंग थी, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, यानी कि जो प्रोसीडिंग थी उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है। यानी कि गुजरात दंगे से जुड़ी कोई भी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले पेंडिंग थी उस पर अब आगे सुनवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ करते हुए तमाम मामले को बंद करने का आदेश दिया है, यानी कि जो प्रोसीडिंग थी उसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब एसआईटी, याचिकाकर्ता ने यह माना कि कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी, दंगे के लगभग सभी केस में निचली अदालत का फैसला आ चुका है, लिहाजा अब इस मामले में सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिकाएं थी उस पर तमाम प्रोसीडिंग है उसको क्लोज कर दिया है, याचिका का निस्तारण एक तरह से कर दिया है और पूरे मामले को बंद करने का आदेश दे दिया है। बिल्कुल सही सुमित, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए।